जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपको बहुत ही आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, शुल्क लागू है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खुद को किसी से कम मत समझो। ये बात मैं इसलिए इस वीडियो में चर्चा कह रहा हूँ कि मैं हजारों लोगों से बातें कर चुका हूँ, लाखों लोगों से बातें कर चुका हूँ। उसमें एक जो है मोटे तौर पर एक चीज जो उभर कर बाहर निकली है इस दौर में, और वो जो बात है वो है कि हम खुद को बहुत ज़्यादा कम समझते हैं। हम खुद की योग्यताओं पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, खुद की योग्यताओं पर हमें विश्वास नहीं होता है। मतलब हम इस चीज़ को ऐसे मान ही लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, हम तो कर ही नहीं सकते हैं, और न जाने कितने प्रश्न इस विषय को लेकर खुद से आप पूछते रहते हैं। और आप जिनसे अपनी सलाह भी लेते हैं तो वो भी कन्फ्यूज़ होते हैं, या वो भी आपको सही सलाह नहीं दे पाते हैं। इस वजह से ये बहुत लंबी यात्रा हो जाती है, और इस वजह से हमें जिस उम्र में जहाँ पहुँचना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ हमें इस छोटी सी बात से कि हम खुद को कम समझकर जो चीज़ें समझ रहे थे वो रियलिटी में नहीं थी। तो एक मुख्य बात यह है कि अपने अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी कला है, उसे सबसे पहले तो आप स्वयं पहचानें, उस पर काम करें। वो बिल्कुल यूनिक है और सबसे अलग है, और वो सबसे बेहतर भी है। ये पहले खुद को आप कॉन्फिडेंस स्वयं ही दें, ना कि अन्य के किसी कहने पर। क्योंकि आप स्वयं कॉन्फिडेंस में होंगे, स्वयं उस योग्यताओं में परिपूर्ण होंगे, तो स्वतः ही ये दुनिया उसकी तारीफ करेगी और आपको फीडबैक जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो खुद का वेरिफिकेशन मैं कहता हूँ इसे, कि आपको कि हाँ, मैं जो जा रहा हूँ सही दिशा में जा रहा हूँ। इसलिए स्वयं को कभी भी, चाहे कुछ हो नहीं हो, खुद को किसी से कम मत समझे। आपकी योग्यताओं को हमेशा पॉलिश करते रहें, उन पर काम करते रहें, और योग्यताओं पर कभी भी शक न करें। और इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, इसी वजह से हम जो भी मेहनत करते हैं उसमें कमियां खुद ही तलाश करके, खुद ही उसके जज करके हम पीछे होते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, अच्छे कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म जितने भी हो वो करते जाएं, सकारात्मकता जितनी भी हम वो बिखेरते जाएं, और किसी भी सब क्षेत्र में किसी भी विषय पर थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ी सी चीज़ों को हमेशा अपडेट करते रहें, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं और नहीं थे। तो ये बहुत बेसिक सी फंडा है दोस्तों, क्योंकि ये बात अगर आप समझ लेंगे या जान लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी तकलीफों से भी आप बाहर आ जाएंगे। आखिरी बात ये कि खुद को कभी भी दोषी मत समझे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आप बहुत भावुक हैं, सरल हैं, सहज हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।